आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपनी लोअर बॉडी। अगर आपको लोअर बॉडी के ऊपर फैट है या आपको लोअर बॉडी में पेन रहता है, उठने में बैठने में दिक्कत होती है, ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तब आपकी लोअर बॉडी में पेन होने लगता है, यानी कि लोअर बॉडी के जो मसल्स हैं आपकी वीक हो चुके हैं, चाहे वो हिप के मसल्स हैं, थाई के मसल्स हैं, लेग के मसल्स हैं या आपका जो लोअर बेली होता है उसके मसल्स हैं, जिसे कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जो लोअर बेली होता है वो हमारा टाइट नहीं हो पाता, अपर बेली कम हो जाता है लेकिन लोअर बेली आपका कम नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी जो वर्कआउट मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 3-4 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इनको करके आप अपनी लोअर बॉडी को आसानी से स्ट्रेंथन भी कर सकते हो, लोअर बॉडी के फैट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मैम हमारी बॉडी में ज्यादा फैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैली बढ़ा हुआ है, तो उसकी एक्सरसाइज आप बता दीजिए, एक दो एक्सरसाइज बता देंगे तो वो कर लेंगे, उससे काम हो जाएगा। ये कुछ लोग ऐसा भी मैंने देखा है कि वो मेरी वीडियोस चेक करते हैं, जो बैली की एक्सरसाइज होती है बस दो एक्सरसाइज पकड़ लेते हैं या एक एक्सरसाइज पकड़ लेते हैं और उसको कंटिन्यू करते जाते कई कई महीने तक, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो बोलते हैं कि मैम कोई रिजल्ट नहीं आता। ऐसे मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा है और जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी कई बार ऐसा पढ़ा है कि हमने वो एक्सरसाइज की थी लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। उससे फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाकी बॉडी के आपके मसल्स वीक हो चुके हैं, क्योंकि आप उनको वर्कआउट नहीं कराते हो या उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई काम नहीं करते हो। वो मसल्स वीक हो चुके हैं एक ही मूवमेंट करके, बार बार एक ही तरह का काम करके, क्योंकि दिन भर जो काम करते वो एक ही तरह का होता है, बैठने का, चलने का, फिरने का, ठीक है, कोई वर्कआउट आप नहीं करते हो। और अगर आप बेली की एक ही एक्सरसाइज करते रहोगे तो एक काम बार बार करते हुए वो मसल्स भी परेशान हो जाता है और हार थके वो जो मसल्स है जिसका बार बार आप एक्सरसाइज कर रहे हो सिर्फ एक मसल्स की, वो भी बेचारा वहीं पर रुक जाता है कि करने दो उसको, मरने दो, जो कर रहा है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपना फैट घटाना भी कम करता है, और ऐसा नहीं कि वो अकेला मसल्स ही सारी बॉडी का फैट रिमूव कर देगा या फिर बेली फैट है उसको कम कर देगा। तो सारी बॉडी को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना अपर बॉडी को ट्रेन करना ज़रूरी होता है उतना ही लोअर बॉडी को ट्रेन करना ज़रूरी होता है, और उतना ही जो बैली के मसल्स होते हैं सारे बैली मसल्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है अपनी एक्सरसाइज के दौरान। इसलिए सब तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपका जो बैली फैट है जल्दी से जल्दी कम हो सकेगा और लोअर बॉडी का फैट भी आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उठ जाना है, तो करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में लेग्स को थोड़ा सा आपको वाइडली खोल लेना है, इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, उठना है और धीरे से एक लेग को घुमाना है पीछे वाली को, और फिर ऐसे बैठना है, फिर वापस, फिर आगे आना है, फिर ऐसे अपने हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, फिर ऐसे ही दूसरी साइड अपनी लेग को घुमाना है, फिर ऐसे। तो कंटिन्यू करते हैं इस एक्सरसाइज को, बहुत मजा आएगा करने में, आप भी मेरे साथ करिए। चाहे तो आप रेपिटेशन कर सकते हैं, चाहे आप टाइम देख सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड के लिए जरूरी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ये आपके बैली फैट को भी घटाएगी और साथ में जो लेग फैट है, थाई फैट है, हिप फैट है, वो भी सब आसानी से चला जाएगा। आप देखते ही रह जाओगे कुछ दिनों में, और देखना लोअर बॉडी बिल्कुल टोन हो जाएगी आपकी। वाह, तो कम से कम हमने 10 रेपिटेशन किए। आप अगर थक रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, अगर नहीं थक रहे तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। तो मुझे करनी है दूसरी एक्सरसाइज, इसलिए मैंने 10 रेपिटेशन ही किए हैं, आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे ताकि जो सांस फूल जाती है वो नॉर्मल हो सके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें भी हमें क्या करना है, अपने लेग्स को और थोड़ा सा वाइडली खोलना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपनी जो ये वाला एरिया है उसको ऐसे रोटेट करना है, थोड़ा सा और वाइडली खोल लीजिए लेग्स को इस तरीके से, ऐसे
पहले क्लॉकवाइज 10 रिपीटेशन करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम ये एक्सरसाइज तो सब लोग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। 1 अपोजिट डायरेक्शन में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, बैठने का काम होता है, उनको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये वाले मसल्स उनके वीक हो चुके होते हैं। फिर उनको टॉयलेट में जाने में परेशानी होती है, वो इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं पाते क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं। उनको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और जिनको फैट बढ़ा हुआ है ऑब्वियसली उनको तो करनी ही चाहिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा वाइडली अपनी लेग्स को खोल के रखी इसी तरीके से। अब आपको एक साइड में अपनी लेग्स को ऐसे बेंड करना है और ऐसे पूरा झुकना है, और ऐसे ही फिर दूसरी साइड में इस तरीके से। कम से कम 10 रेपिटेशन, और ज्यादा से ज्यादा आप जब तक आप थके नहीं कितने भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, अच्छी है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नीचे जमीन के ऊपर बैठ जाना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, बैठने के बाद हाथों को पीछे रखना है, लेग्स को बेंड करना है। अब एक लेग को अपने आगे इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे, ऊपर उठाएंगे, पहले ऐसे फिर ऊपर नीचे, ऐसे साइड में भी और ऊपर नीचे भी इस तरीके, कम से कम 10 रेपिटेशन, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी लेग्स को ऐसे बैंड करना है और हल्का सा ऐसे दाएं से बाएं इस तरीके से। चाहे तो आप अपने हिप्स को उठा सकते हैं, जो लोग उठा सकते हैं तो वो उठा के करें ऐसे इस तरीके से, जो नहीं उठा सकते वो जमीन के ऊपर ऐसे रखें और पहले ऐसे करें, ठीक है। तो हम उठा के करें, क्योंकि मैं उठा सकती हूँ तो जो लोग उठा सकते हैं वो उठा के एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से। कम से कम 20 रेपिटेशन, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं तो 20 करें, अगर दोनों साइड का एक रेपिटेशन काउंट कर रहे हैं तो 10 रेपिटेशन जरूर करें। रुक जाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कम एक्सरसाइज बताती हूँ लेकिन इफेक्टिव बताती हूँ। अगर आप कम एक्सरसाइज भी करते हैं ना और आपकी बॉडी पे काम हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि आप खाली बैठे बस ऐसे ऐसे लेग्स को घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, हल्का सा मूवमेंट ज़्यादा करिए ताकि आपका पसीना निकल सके, और फिर देखिए कि फैट कितनी जल्दी जाता है, कितनी जल्दी आपकी बॉडी टोन होती है। और जैसे कि खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है, थोड़ा सा एक कंट्रोल अपने अंदर लाइए कि नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए, तो वो करिए, फिर देखिए फैट कितनी जल्दी जाता है आपका। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे नहीं है
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।